जो भी कोई परेशानी हो या जो भी कोई आपकी कोई मन्नत हो, कोई भी मनोकामना हो, आप एक बार 15 अगस्त को यहाँ पे पहुंचे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं रहेगी और आपकी हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंटरनल सॉल्यूशन, आराम्या ज्वेलर्स, चाक भात मैट्रिमोनियल, A1 बैंक्वेट, वर्धमान ज्वेलर्स। मेरा नाम प्रदीप खटखड़ है और परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी महाराज जी की जो कथा 15 अगस्त से 21 अगस्त तक जापानीज पार्क रोहिणी दिल्ली में होने वाली है, उस कथा का प्रबंधक के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। और परम पूज्य महाराज जी के जितने भी कार्य होते हैं पूरे भारत के वर्ष के अंदर, उन सब कामों को भी हम देखते हैं। इससे पहले भी श्री बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी का कार्यक्रम रोहिणी में हो चुका है। 16 फरवरी को बंसरी धाम सेक्टर 16 में कार्यक्रम हुआ था, 3 दरबार वहाँ पर लगे थे और बहुत हजारों लोगों की अर्जी उस दिन स्वीकार हुई थी और दर्शन लाभ हजारों लोगों को मिला रहा था 16 फरवरी को। इसके बारे में रूपरेखा ये है कि 14 अगस्त को हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो कलश यात्रा निकालेंगी और उसके बाद 15 अगस्त को पूज्य महाराज जी ध्वजारोहण करेंगे, क्योंकि उस दिन स्वतंत्रता दिवस ही है, और 4 बजे से 7 बजे तक कथा भी सुनाएंगे लोगों को, भक्तों को। फिर 16 तारीख को यहाँ पे गरीब कन्याओं की शादी का कार्यक्रम हमने रखा है और अभी एक दो परमिशन बाकी है, यदि वो परमिशन अगर मिलेंगे तो परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से उस बेटी को हेलीकॉप्टर से विदाई करवाएंगे और समस्त किन्नर समाज का सम्मान समारोह भी हमने 16 तारीख को रखा है और 17 और 18 तारीख को प्रातः 9 बजे से दिव्य दरबार बिना टोकन का जो दरबार जो परम पूज्य महाराज जी लगाते हैं वो दरबार रहेगा सुबह 9 बजे से प्रभु इच्छा तक और 4:30 से 7 कथा हर रोज होगी। श्री बागेश्वर बाला जी चरण सेवक दल दिल्ली व हरियाणा अब ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये उन भक्तों का है जो भगत लोग धाम से जुड़े हुए हैं और धाम पर जाते हैं। सभी मिलकर के इस पूरे बड़े आयोजन को सफल करने के लिए लगे हुए हैं जो हरियाणा से और दिल्ली से लोग जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और समस्त श्री बागेश्वर बालाजी के भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जो पूज्य महाराज जी का जो शक्तियाँ वहाँ काम करती है, वाद से नहीं है, वो 300 साल पहले से ही वहाँ पर 300 साल पहले परम पूज्य सतगुरु श्री सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान जी वहाँ तपस्या करते थे, जिनकी 46,000 सेना काम करती है और उनके बाद परम पूज्य सदगुरु श्री दादा गुरु जी महाराज जिन्होंने वहां पर तपस्या की है, जो इतने बड़े बड़े संतों ने वहां तपस्या की है, ये उसी तपस्या का फल है। और ये दरबार कोई नया दरबार नहीं है, पहले परम पूज्य सदगुरु श्री दादा गुरु जी महाराज जी दरबार लगाते थे। उस समय सोशल मीडिया का या मीडिया का इतना प्रचलन नहीं था और फिर उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव भगवान इस दरबार को चलाते हैं और किसी से भी ये पूरे दुनिया का हिंदुस्तान का एक ऐसा दरबार है जहाँ पर किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। संपूर्ण भक्तों के लिए भोजन प्रसाद की निःशुल्क व्यवस्था रहती है, निःशुल्क अर्जी लगती है और जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जो श्रीमुख से जो वाणी निकल जाती है वो सत्य होती है और वो पर्चा जो बनाते हैं पर्चे के ऊपर उसका क्या जीवन में कमी आ रही है और कैसे वो दूर होगी, मार्गदर्शन कैसे मिलेगा, सब लिख के दे देते हैं और हजारों लाखों लोगों को इसका फायदा भी हुआ है
और ये कैसे दरबार है कि जितनी भी संकीर्ण वो दान आता है दान पे सभी भक्तों से, तो साल में अभी पिछले दिनों 108 कन्याओं की शादी उसी दान से हुई थी और संपूर्ण 24 घंटे भंडारा चलता है, हर 12 महीने में चलता रहता है। और वहाँ पर किसी की भगत के पास किराया नहीं, तो किराया भी वहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है, तो संपूर्ण जो चढ़ोतरी होती है उसे समाज के कार्यों में लगाया जाता है। मेरे मत से यदि मैं कहूँ कि ये साक्षात तो बालाजी का रूप है, तो इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी। और ये कोई ये नहीं कि भाई महाराज जी थोड़ी सी उम्र में लगे, यहाँ पे दान पे सैकड़ों वर्षों से जो इतने बड़े बड़े संतों ने तपस्या की है, और श्री बागेश्वर बालाजी की जो आज कृपा पात्री है महाराज जी, ये उसी हनुमान जी की कृपा से ये सब कुछ चला हुआ है। और खुद श्री बागेश्वर बालाजी वहाँ पर सारी शक्तियों के रूप में काम करते हैं। जहाँ पर भी पूज्य महाराज जी कथा का आयोजन करते हैं, पूज्य महाराज जी एक ऐसे संत हैं अपने देश में कि जो कथा के नाम पर कोई भी दान दक्षिणा नहीं लेते किसी से भी। पूज्य महाराज जी का मानना यह है कि जितने भी भगत उस कथा में आए, 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने भी आए, बस आयोजन में उनको रहने की व्यवस्था अच्छी हो, उनको भोजन प्रसाद मिले ताकि वो हंसी खुशी से भजन गाएं, कीर्तन करें और 7 दिन की कथा सुने। महाराज जी का पूरा ध्यान उन लोगों पर, उन भक्तों पर रहता है जो वहाँ अपने घर परिवार को छोड़ करके 7 दिन के लिए कहीं भी आते हैं। रही बात नेताओं की, भैया तो परम पिता परमात्मा और श्री बालाजी का दरबार है, सब इसमें आते हैं। इसमें हम किसी को राजनीतिक दल विशेष से इसको हम नहीं जोड़ते, कोई भी आए सबका स्वागत है वहाँ पे, और परमात्मा के नगरों में सब समान है। इसमें निराशा वाली तो कोई भी बात नहीं होती, क्योंकि जब 2 दिन का तो दरबार महाराज जी लगाते हैं, हजारों लोगों की उसमें अर्जी लग जाती है। उसके बाद 19 तारीख को जब महाराज जी भगवति वितरण करते हैं, वो हर भगत तक भगवति पहुंचती है। खुद महाराज जी द्वारा शुद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित की हुई भगवति होती है, वो हर भगत को मिलती है। और बहुत सारे भक्तों को महाराज जी सभी भक्तों को दर्शन भी देंगे, उससे भी लोगों को भक्तों को खुशी मिलती है, भगवति मिलेगी, अर्जी लगेगी। तो निराश ऐसा कोई भी भगत निराश होकर यहाँ से नहीं जाएगा। और हमारी पूरी कोशिश है यहाँ पर रोहिणी दिल्ली में जो कथा होगी महाराज जी की, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर भगत को महाराज जी के दर्शन करवाएं। बालाजी महाराज को आप किसी भी रूप में देखते हो, पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, प्याज और लहसुन का, दारू का, मांस का ये प्रयोग बहुत आवश्यक है। आप किसी भी डॉक्टर के पास भी जाते हो, डॉक्टर भी दवाई के साथ आपको प्रयोग लिख के देते हैं कि भैया आपको ये प्रयोग करना है। जितने जल्दी आए और जितने ज़्यादा आप प्रयोग करोगे आपको उतने फायदा होगा, आराम लगेगा। और जो मुझे महाराज जी की तरफ से आपको भगवती जो मिलेगी, भक्तों को मिलेगी, मेरा मानना ये कि आप जितना यदि लहसुन प्याज से परहेज रखोगे उतने ही जल्दी और ज्यादा कृपा आपको श्री बागेश्वर बालाजी की मिलेगी। पहली बात तो कि जो इतना बड़ा आयोजन दिल्ली में 7 दिवसीय जो भागवत कथा का आयोजन है, इसको खुद ही श्री बागेश्वर बालाजी खुद ही उसको देखेंगे, जिससे हनुमान जी का साथ यदि है तो मुझे भी लगता है मेरे मत से कि वहाँ पर कोई दगदड़ ऐसा कुछ मचेगा, क्योंकि इतनी शक्तियाँ जो पूज्य महाराज जी के साथ काम करती है, खुद हनुमान जी वहाँ पर विराजमान रहेंगे। ताकि रही बात सुरक्षा की दृष्टि में CCTV कैमराज पूरे पंडाल में लगेंगे, पूरे पंडाल से बाहर लगेंगे, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हमारी तरफ से 400 प्राइवेट जो बाउंसर के रूप में काम करेंगे, और कम से कम 10,000 हमारे जो भगत में जो सेवक हैं श्री बागेश्वर बालाजी चरण सेवक दल दिल्ली हरियाणा के, कम से कम 10,000 वो काम करेंगे वहाँ पर। और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिल भी रहा है और आगे भी पूरा मिलेगा, और दिल्ली डिफेंस से जो सर्विस है उससे भी हमारे को पूरा सहयोग मिलेगा। और सुरक्षा की दृष्टि से हर वो चीज़ हमने पूरे टेंट को उसी व्यवस्थित तरीके से बनवाया है, क्योंकि ये टेंट जो बांस बल्ली वाला टेंट नहीं है, हम इसीलिए नहीं लगवा रहे क्योंकि बरसात का टाइम है, हम भी काफ़ी डर है, तो एल्यूमिनियम वाला जो स्टील वाला जो लगा है
रहेगा प्रॉपर पूरे तरीके से और सुरक्षा की पूरी दृष्टि रहेगी पूरे संपूर्ण भक्तों के लिए। यहाँ पे हम हॉस्पिटल भी एक छोटे रूप में हॉस्पिटल भी बढ़वा रहे हैं। 24 घंटे यहाँ पर एम्बुलेंस भी रहेगी, हायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहाँ पर मौके पर खड़ी रहेगी। हम अपनी तरफ से कोई भी चूक नहीं रहने देंगे। आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण आपके दर्शकों को सबसे पहले मेरा सीताराम मैं कहना चाहूँगा और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, आदर पर मेरी प्रार्थना है कि 15 अगस्त से 21 अगस्त तक आप इस भागवत कथा में अवश्य पहुंचे और श्री बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी के दर्शन प्राप्त करें और उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें और दर्शन लाभ प्राप्त करें। आपके जीवन में जो भी कोई परेशानी हो या जो भी कोई आपकी कोई मन्नत हो, कोई भी मनोकामना हो, आप एक बार 15 अगस्त को यहाँ पर पहुंचे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं रहेगी और आपकी हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी और आप सब 15 अगस्त से 21 अगस्त तक अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और सबसे मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई हमारी कोई संस्था नहीं है, हम सब मिलकर ही यहाँ पर सब काम कर रहे हैं, तो कोई भी दान देना चाहे, दान कोई पैसे के रूप में नहीं, कोई देसी घी के रूप में, कोई आटे के रूप में, कोई चावल के रूप में, कोई भी जो भी कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि सभी के लिए हमने यहाँ 24 घंटे भंडारे की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, रुकने रहने की सारी व्यवस्थाएँ श्री बागेश्वर बालाजी थोड़े से दल दिल्ली हरियाणा की तरफ से है, तो उसका भी स्वागत है जी। मैं नवीन जून बहादुरगढ़ से, बागेश्वर धाम से, दिल से तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी एक साल से सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुजी से मिलने का, जुड़ने का प्रदीप महाराज जी के थ्रू। देखो जी, भक्ति थी दिल में उनके लिए शुरू से ही, मन ही मन में उनकी वीडियो देखते थे, सोचते थे इनसे मिले, और हनुमान जी में शुरू से रुचि हमारी, हमारे परिवार की, हमारे बड़ों की श्रद्धा थी, तो बस धीरे धीरे करके वहाँ जाने लग गए, गुरु जी से मुलाकात हो गई, बस दिल मिल गए आपस में। देखिए वाकई तो बहुत ज्यादा, अब आपको बताने लगूं तो मतलब टाइम कम ही पड़ जाएगा, वाकई तो बहुत है। जब से उनसे जुड़े हैं मन में जो काम सोचा है वो होता ही चला गया हमारा, तो बाकी कुछ ऐसी चीजें जो कैमरे पे नहीं बोल सकते हैं, भगवान के तो अवतार ही है वो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनसे छुपी है, सब बात तो उनको पता है। व्यवस्था देखो हमें अपनी तरफ से सारी कमेटी ने बहुत अच्छी कर रखी है, कहीं कहीं से भी लोग आएंगे उनकी रुकने की, 24 घंटे खाने की, पीने की, चाय पानी की सब व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है, सोने की, बैठने की, उठने की व्यवस्था अपनी तरफ से बहुत अच्छी कर रखी है, और ज्यादा नहीं बोल रहे लेकिन हिंदुस्तान की अब तक की सबसे अच्छी कथा ये होगी। कर तो हम ही रहे हैं सब, लेकिन उनकी इच्छा से ही कर रहे हैं, हमने पहले उनसे पूछा है, उनसे प्रेरणा ली है, उनका आशीर्वाद लिया है, तब ये सब चीजें हम कर रहे हैं। देखेंगे तो हम ही सब, देखो भगत तो ऐसे हैं जहाँ पे गुरु जी कथा करते हैं, जो हमने पिछली कथा देखी है वहाँ पे टेंट छूटे पड़ जाते हैं जहाँ पे भी वो कथा करते हैं, बट हमने अपनी तरफ से 10 लाख लोगों का कार्यक्रम रख के चला कि इतने लोग आएंगे तो हम अच्छी व्यवस्था बना लेंगे, तो इतने लोगों को जुड़ने की आशंका हमारी ओर से तो है, बाकी अब देखते हैं कितना क्या होता है। भगतों को तो यही है बस गुरु जी के लिए प्रार्थना करे, वो आए आते रहे और बार बार हमारा सौभाग्य हो, दिल्ली में आ रहे हैं और हम चाहेंगे कि हर साल हम ये कथा करा पाए, गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे और सब भगत जुड़ते रहेंगे तो हमारा भी हौसला बनता रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंटरनल सॉल्यूशन, आराम्या ज्वेलर्स, चाक भात मैट्रिमोनियल, A1 बैंक्वेट, वर्धमान ज्वेलर्स।